नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष चतुर्वेदी सीनियर टीचर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो जो एजुकेशन न्यूज़ से संबंधित और भर्तियों से संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आचार संहिता लग चुकी है और अब बेरोजगार भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये 10वीं पास के लिए हैं 5,934 और इसमें दो पार्ट होंगे, जिसमें एक जीके का 105 क्वेश्चन होंगे और 45 क्वेश्चन होंगे पशुपालन से संबंधित। राजस्थान मदरसा बोर्ड में शिक्षा अनुदेशकों और कंप्यूटर अनुदेशकों के 6,843 पदों पर भर्तियां हो रही है। जो भी पीजीडीसीए व एमसीए बीसीए किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही शानदार, और बीएड पास के लिए भी ये अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में 11,000 वैकेंसी का ऐलान किया गया। सफाई कर्मचारी 2023 आरपीसी सांख्यिकी अधिकारी बोत्र पदों के लिए मांगे हैं पद, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। आर एस पी सी बी में 152 पदों पर भर्ती। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 152 नियुक्तियाँ की जाएगी और परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि चुनाव में लड़कर ही, विधानसभा पहुंचकर ही मैं बेरोजगारों की मांग को जोर शोर से उठूंगा। इसके अलावा गुड एकेडमी रिकॉर्ड के अभाव में अभ्यर्थिता रद्द नहीं करने के आदेश कॉलेज लाइब्रेरियन पदों का मामला याचिकाकर्ताओं को दी है राहत। अन्नपूर्णा राशन किट आचार संहिता ने रोका वितरण, अब नए पैकेट बनेंगे, 15 दिन तक करना पड़ेगा इंतजार। ईएसआईसी में 1,038 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आवेदन 30 तक। अन्नपूर्णा राशन किट आचार संहिता ने रोका वितरण, अब नए पैकेट बनेंगे, 15 दिन तक करना पड़ेगा इंतजार। कोटा विश्वविद्यालय वर्षों बाद निकाली भर्ती, रोस्टर सही नहीं, अटकने की आशंका। 70% पाठ्यक्रम आएगा पेपर, 45 प्रश्न हल करने के लिए छात्रों मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 9वीं और 11वीं की आदिवासी परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया गया। आरपीसी ने 9,760 पदों के लिए जो सेकंड ग्रेड की भर्ती निकाली थी, अभी उनमें से 6,200 के पदों का रिजल्ट भी आना बाकी है, आप ये देख सकते हो। और इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बच्चों को पहली कक्षा से पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर, प्रदेश के 2.25 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा, सीकर। इसके अलावा नेट पीजी 0 कट ऑफ के बाद भी पेपर लीक मामले में एक और आरोपी राजीव विश्नोई गिरफ्तार, लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसे आचार संहिता लगे। मनमानी से पशु मित्र की भर्ती चयन प्रक्रिया पर जताया संदेह। पदस्थापन से पहले लगा आचार संहिता का ब्रेक, शिक्षक व पीटीआई भर्ती में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया पदस्थ, वरिष्ठ अध्यापकों को कार्यमुक्त करने के आदेश। इसमें जो महात्मा गांधी स्कूलों से जो चयनित थे उनको कार्यमुक्त नहीं कर रहे थे, तो ये अपील की गई है। और इनको संदीप कलवाणिया एडवोकेट ला विद्यार्थियों के नए काम आए कौशल पाठ्यक्रम। हाईकोर्ट ने कॉलेज लाइब्रेरियन पदों के लिए याचिकाकर्ता को दी अंतरिम राहत। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।